नलाय बच्चों वेलकम है आपका इस वाले चैप्टर में, इसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अभी आप में से पूछो क्या सही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट? इतना इंपॉर्टेंट कि बस आपको एक बार मुझे सुनना है, एक बार सुन लोगे 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, और कुछ छोटी 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 बातें आपको यहाँ पे याद करनी होगी। अगर ऐसा कर लिया तो समझो ये वाला चैप्टर खत्म। अब आपके एनसीईआरटी में जितना है उतना तो यहाँ पे है, और कुछ चीजें एनसीईआरटी के बाहर है जो कि एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो भी इसमें है बेटा। ठीक, चलो सर शुरू करते हैं, देखना हाथों हाथ आपको ये वाला चैप्टर याद हो जाएगा। पहला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर कौन? वो जो चीजें कंज्यूम करता है, या वो जो चीजें यूज करता है, या वो जो चीजें खरीदता है। आपको मैं पढ़ा रहा हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो आपका पहला सवाल होना चाहिए कंज्यूमर कौन, प्रोटेक्शन तो बाद में देंगे, पहले बताओ कंज्यूमर कौन है। अरे बोलो ना सर मुझे कि कंज्यूमर कौन है। आओ सर, आओ सर, आपके पहले वाले सवाल का जवाब कि कंज्यूमर कौन है सर। पॉइंट नंबर 5 बेटा, देखो कंज्यूमर कौन है, तभी तो आगे चैप्टर को पढ़ने का मजा आएगा, क्योंकि प्रोटेक्शन के बारे में तो आपको पता है ना, इसलिए मैं आपको कंज्यूमर पढ़ा देते हैं। ठीक है, आओ। अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूज या कंज्यूम गुड्स या अवेल एनी सर्विसेज। याद हो गया सर। अब मुझे एक बात बताना, आपके पापा आपके लिए चॉकलेट खरीद के लाए, कंज्यूमर कौन है, पापा या आप? इस डेफिनेशन के हिसाब से कंज्यूमर कौन है, पापा या आप? पापा लेके आए हैं चॉकलेट, पापा खाते नहीं बेटा, पापा को डायबिटीज है, शुगर है, वो आपके लिए लाए, बताओ कंज्यूमर कौन, पापा या आप? पक्का सर? डेफिनेशन के हिसाब से तो आप पापा नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाय, ओ तेरी के मतलब पापा हो गया यहाँ पे, हु बाय एनी गुड और अवेल सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड या प्रोमिस्ड या पार्टली पेड या पार्टली प्रोमिस्ड अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सर ये वाली डेफिनेशन कह रही है कि कंज्यूमर वो है जो बाय करता है एनी गुड या अवेल करता है, लेकिन जिसके लिए वो क्या देता है, कंसिडरेशन देता है। कंसिडरेशन बोले तो पैसे। अब अगर मान लिया पापा से चॉकलेट आपने ले लिया और पापा को आपने पैसे नहीं दिए, तो आप कंज्यूमर नहीं हुए उस केस में, पापा कंज्यूमर है। सर पहली वाली डेफिनेशन कहती है कि आप जिसने खरीदा नहीं, लेकिन दूसरी वाली ना ज्यादा सॉलिड डेफिनेशन है एक्ट के अंदर है, जो कह रहा है कि कंज्यूमर वो है जो बाय करता है और बदले में पैसे देता है, या पैसा देने का वादा करता है, या आधा दे देता है, आधे का वादा करता है, या पूरे के लिए वादा करता है। सर पक्का पक्का मुझे डेफिनेशन याद होगी, अब मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा एग्जाम में बेटा। कई बार आपके एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में डेफिनेशन आई है हु आर कंज्यूमर। आगे सर, इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड या बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विस। सब सबको कवर कर दिया सर, यहां पे कवर किया था बच्चा, यहां पे कवर किया था पापा, और यहां पे वापस कवर कर दिया बच्चा। मतलब सर अगर पापा चॉकलेट खरीद के लाए आपके लिए तो दोनों लोग हो गए सर। यहां पे देखो बोला इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड या बेनिफिशियरी ऑफ सच इफ सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। मतलब पापा के परमिशन से अगर आपने चॉकलेट लेके खा लिया तो अब आप भी कंज्यूमर हो, लेकिन पापा खरीद के लाए थे, पापा के पॉकेट में पड़ा था और आपको पता चल गया, और आपने बिना बताए खा लिया, तब तो बेटा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, आपको लेना है पापा से अप्रूवल। इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बाय टेलीफोनिक या डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब अगर आपके एग्जाम में MCQ आता है हु आर कंज्यूमर, नंबर 1 हु बाय, हु कंज्यूम बोथ या नन, तो आंसर होगा बहुत। चलो सर मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया, जल्दी से याद करके दे दो। चलो बच्चे मुझे बहुत बढ़िया लगता है जवाब सुनाते हो, मैं सच बता रहा हूँ बेटा, ऐसा लगता है कि जो मैंने पढ़ाया वो रिफ्लेक्ट हुआ बेटा। चलो सर मैंने आपको कंज्यूमर पढ़ा दिया, प्रोटेक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख लो क्या कंज्यूमर को इंडिया में कोई राइट्स मिले हुए हैं। देखो आपको ना एक फंडामेंटल राइट भी मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट कहाँ पे मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इस एक्ट के अंदर भी आपको कुछ राइट मिले, वो राइट कौन कौन से जरा देखें सर। पहले मुझे ना बस इसके नाम याद करने, पहला क्या राइट ऑफ, राइट टू सेफ्टी। मैडम उठ के उधर वाला गेट लगाना, दूसरे वाले रूम से आवाज आ रही है। राइट टू सेफ्टी, अगला राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी अशोर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, और उसके बाद क्या बेटा राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन। मुझे बस ये 6 राइट आपसे हेडिंग याद करानी है, बाकी मैं आपको रटवा दूंगा। जल्दी से हेडिंग याद कर देना, जल्दी से हेडिंग याद कर देना। पहला बेटा राइट टू सेफ्टी, जल्दी से हेडिंग याद कर दो, बाकी अंदर का मैं डिटेल पढ़ाता हूँ, उतना उतना पढ़ोगे गलती होगा बेटा। आओ देखो जितना जितना बोलूँ बस उतना उतना। पहला राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी किसको किससे, सेफ्टी किसको किससे, ये सारे राइट किसको मिले, कंज्यूमर को, तो सेफ्टी भी किसको मिलेगी, कंज्यूमर को, किससे, प्रोडक्ट से या सेलर से। देखो सर द कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू लाइफ हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। डन सर, आप मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बेचोगे जिससे मेरा नुकसान होता है। अगर बेच रहे हो और मैं अपनी मर्जी से खरीदने गया हूं तब भी आप उस प्रोडक्ट पे उसको स्पेसिफाई करोगे। तो सर मुझे याद कितना सा करना है, बस मुझे इतना सा याद करना है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस। इसीलिए आप देखना हर एक प्रोडक्ट पे जो हजार्डियस होता है उस पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड होना जरूरी है। कि आपको पता है कि आपको सिगरेट से, दारू से, इनसे नुकसान है? हाँ सर, इसलिए ये जो भी चीजें बिकती है ना, सिगरेट वगैरह, उसका 90% एरिया
उसको एडवाइस करना होता है कि सेहत के लिए गलत है। 90% एरिया वो सिर्फ 10% एरिया में अपना एडवर्टाइज कर सकते हैं। चलो सर पहला याद हुआ। दूसरा, राइट टू बी इन्फॉर्म, कौन किसको इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि हम कंज्यूमर है, राइट कंज्यूमर के, तो सेलर की जिम्मेदारी है तुम हमें इन्फॉर्म करो। कैसे? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले आप सारी चीजें बताओ, अगर कोई पैकेट वाला चीज है तो उसमें सारी चीजें प्रिंट करो। दो बातें हो गई सर। अगला, राइट टू बी अश्योर्ड या फिर चॉइस। इसका क्या मतलब है? हम आपको यूं ही कुछ नहीं बेच देंगे। हम आप जैसे मान लिया आप मेरी शॉप के अंदर एंटर हुए तो मैं आपके सामने मजबूरी नहीं क्रिएट करूंगा कि खरीद के जाना है। फ्रीडम टू एक्सेस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, आपको मैं चॉइस दूंगा, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है खरीदो, इतनी सारी चीजें। यहाँ मैंने क्या बोला? अलाउ द कंज्यूमर टू मेक अ चॉइस, कंपेल कंपेल नहीं करूंगा सर। चलो सर ये भी याद हुआ। राइट टू बी हर्ड, कौन किसको सुनेगा? मान लिया मैं गया, तुमने मेरे ऊपर के 3 राइट वॉयलेट कर दिए, तो मैं सुनूंगा। मैं कौन? मैं रिड्रेसल मशीनरी। ये देखो सर, फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। तुम मुझे बताओ, मैं तुमको सुनूंगा। मैं कौन सर? मैं रिड्रेसल कमिटी हूं, मैं सुनूंगा तुमको। फर्म्स हैव सेट अप देयर ओन कंज्यूमर सर्विसेज एंड ग्रीवेंसेस सेल। अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वो आपको कंज्यूमर सेल में भेजने से पहले अपने ही सेल बना के रखते हैं कि अगर आपसे हमारे किसी इंप्लॉय ने बदतमीजी की है तो पहले आप हमें शिकायत कर दो, हम उसको डील कर लेंगे, लेकिन अगर हमसे नहीं होगा तो आप बाहर चले जाना। तो इसलिए कुछ कुछ कंपनी क्या करती है, सेटअप देयर ओन कंज्यूमर सर्विसेज। चलो सर चार याद हुआ, लास्ट के दो सर। राइट टू सीक रिड्रेसल, पहले तो था कि मैंने कंप्लेन करी, तुमने मेरी बात सुनी, लेकिन क्या तुमने मुझे रिजल्ट दिया? बोला ना यहाँ से देखो, गेट रिलीफ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो मुझे उसका रिजल्ट भी देगा। लेकिन सर रिलीफ में क्या देगा? वो क्या कहे, चलो भाई अगली बार नहीं करेंगे? नहीं, वो मुझे क्या देगा? रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, कंपनसेशन अगर मुझे कोई हुई है तो। सारी बातें सही याद में। अब देखना वो जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, अभी अभी हमने याद किया था, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सेलर बायर को सारी चीजें बताएगा, ये था मतलब राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का। लेकिन राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन का मतलब क्या, ये कौन किसको बताएगा? देखो, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ। मैनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड सम इंटरलाइटेड बिजनेस आर टेकिंग एन एक्शन पार्ट इन एजुकेटिंग कंज्यूमर इन दिस रिस्पेक्ट। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही आपको फ्री में ही एडवाइस कर रही होती है, सर ये खरीदना चाहिए, ये नहीं खरीदना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, वो खुद से ही कर रही होती है सर। तो ये एडुकेशन अलग पार्ट है और ये इन्फॉर्मेशन वाइल परचेजिंग प्रोडक्ट है। तो सर ये जब मैं परचेज कर रहा हूँ ये तब वाली बात है, ये जनरल बात है। डन, याद हुआ? अब इसके अंदर की चीजें आपको याद करनी है। इससे पहले ऊपर एक और था सर, राइट ऑफ सेफ्टी, मैं आपको बता चुका, ठीक है? अब जल्दी से इसको याद करके दो, आपके पास फिर से 1 मिनट का टाइम है। सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट ओनली। अब आते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुना भी रहे हो बेटा। अगला पॉइंट है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मैं ना सुनना दोस्त, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की नहीं दे सकता, तुम तो इसका मतलब इसका फायदा उठाओगे जानबूझ के। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी भी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैंने 2 पार्ट में बांटा। पहले वाले पार्ट का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइल परचेजिंग, आपको गुड्स परचेज करते समय क्या क्या ध्यान रखना है। दूसरा है गुड्स को यूज करते समय क्या क्या ध्यान रखना है। उस वो पता था आपको कि जो आप खरीद के लाए वो हजार्डियस इन नेचर है, बट फिर भी तुम स्काई शॉट अपने बेडरूम के अंदर छोड़ रहे हो और कहते हो मेरा टीवी जल गया, तो ये तुम्हारी गलती थी। ठीक है बेटा, चलो सर पहला सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइल परचेजिंग द गुड, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर की नहीं। देखो सर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टोटल 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली, बी अवेयर, आप अवेयर बनो किसके लिए, अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में अवेलेबल है। इसके लिए आपका क्या होना जरूरी है, इंटेलिजेंट, जो कि आप हो, जो कि आप हो, तो इसका मतलब आप अवेयर हो। दूसरा, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड, आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, जैसे कि ISI मार्क वाली चीजें खरीदना अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड हो तो देख लेना, आप FPO मार्क वाली गुड खरीदना अगर फूड प्रोडक्ट है तो, आप हॉलमार्क वाली चीजें खरीदना अगर ज्वेलरी हो तो। इसका मतलब क्या है, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड, 2 पॉइंट हो गए। पहला क्या बोला, बी अवेयर, बी अवेयर। दूसरा क्या बोला, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड, जिसके लिए यहाँ पे 3 मार्किंग बताई। अगला, रीड लेवल, आप एटलीस्ट लेवल तो रीड करो। मैंने आपको बोला ना कंज्यूमर आपको, सॉरी सेलर आपको सारी डिटेल लिख के देगा, लेकिन पढ़ने का काम आपका है। वो ये नहीं बोलेगा मैडम प्लीज पढ़ लो, उसको ऐसा लगेगा कि अगर आप लेके आए हो ना तो पढ़ के आए हो। तीसरा, चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्विसेज, अब तुम खुद ही ड्रग खरीद के नशे में भंड होके कह रहे हो कि सर इसने मुझे नशा करा दिया। तुमने जब नशा किया था तब तुम्हें नहीं पता, जब तुम सांप से कटवा रहे थे तुम्हें नहीं पता था। चलो सर अगला, आज के लिए नया वाला ट्रेंड आया पता है आपको, चलो खैर छोड़ो बच्चे आप लोग, बच्चा तो खैर मैं भी हूँ, आस्क फॉर कैश मेमो, नहीं मैं कौन होता हूँ उसको कमेंट करने वाला, उसको अच्छा लगा तो करवाए, आस्क ठीक है
आस्क फॉर अ कैश मेमो, आप जिससे भी सामान खरीदो उससे उसका बिल ले लेना सर, बिल नहीं लोगे तो हम नहीं मानेंगे। अगली चीज और लास्ट, असर्ट योर सेल्फ, अपने आप को ये भरोसा दिला लेना कि जो आप खरीद रहे हो या जो कर रहे हो वो फेयर डील है बेटा। डन सर, कितनी चीजें हैं? 6 चीजें। पहला बी अवेयर, दूसरा बाय स्टैंडर्डाइज, तीसरा क्या बोला रीड लेवल, चौथा क्या बोला आपको ऑनेस्ट बनना है और लीगल गुड्स खरीदने बेटा, पैसा बचाने के लिए इलीगल मत खरीदना, पांचवा क्या बोला कैश मेमो, एंड द लास्ट वन इज असर्ट योर सेल्फ कि आप फेयर डील कर रहे हो। आपको दिया मैंने 30 सेकंड का टाइम, जल्दी से याद कर दो सर। चलो सर अब आगे चलते हैं सर। अच्छा अब यूज करते समय आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, यूज करते समय आपको ना उस गुड का रिस्क ध्यान रखना है कि इसमें रिस्क क्या है, बिना सोचे समझे यूज नहीं करना बेटा, खरीद के लिए यूज किया जा रहा है बेटा, रिस्क को ध्यान रखना बेटा। अगला फाइल अ कंप्लेन इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म फॉर्म सर, इसका मतलब ये अगर मान लिया कुछ ऐसा होता है जिससे आपको नुकसान हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्लेन कहाँ करनी है, इंस्टेड ऑफ 4 लड़के लेके उसको पीट रहे हो बेटा, नहीं आपको क्या करना है अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉरम का ध्यान रखो। अब ये अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉरम का मतलब क्या, अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉरम का मतलब बताता हूँ बेटा, आगे से ध्यान रखना। मान लिया किसी सेलर ने आपके साथ चीटिंग करी है तो आप सीधा छूटते ही सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाओगे, पहले आप उस सेलर के पास जाओगे, आप उस सेलर के साथ डिस्कस करोगे सर ये प्रॉब्लम है, अब बताओ क्या करना है। अगर वो आपके साथ बिहेव कर रहा है ठीक है, उस चीज़ों को वहीं पे आपको इनिशिएट करना है, मिसबिहेव करने लगा आपको लड़ना नहीं है बेटा, आपको वहां से वापस आना और आके देखना कि ट्रांजेक्शन कितनी बड़ी है, ट्रांजेक्शन कितनी बड़ी है, अगर ट्रांजेक्शन 1 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा, ये अलग अलग सिस्टम है, अभी हम आगे जाके देखें, आपको वहीं पर कंप्लेन करनी है। ऐसे छूटते नहीं मैं तुझे सुप्रीम कोर्ट में घसीटूंगा, ऐसा होगा भी नहीं। आप अगर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे ना भैया इसने मुझे 2 गोलगप्पे कम खिलाए, और वो आपका केस सुन लेगा, उठा के फेंक और देगा आपको, ठीक। चलो सर अगला देखते सर, रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, अवॉइड वेस्ट लेटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉल्यूशन बेटा। डन, ये जनरल बात है बोला, यूज करते समय इसका ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि चॉकलेट खाया पर आपने फेंक दिया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, ये जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड द लास्ट बेटा, फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज, कोशिश करो कि आप सब मिलकर अपनी खुद की सोसाइटी बनाओ, क्योंकि वो एक आदमी की बात नहीं सुनेगा लेकिन सोसाइटी की बात सुनेगा। चलो सर ये भी याद हो गया, ये जनरल है इसके लिए टाइम नहीं दे रहा बेटा, ठीक। चलो सर आप ये बीच बीच में से पढ़ा रहे बेटा, मैं कोई बीच बीच में से नहीं पढ़ा रहा बेटा, मैं कोई बीच बीच में से नहीं पढ़ा रहा बेटा। आओ सर बातें हैं कि मान लिया मुझे दिक्कत हुई है गुड्स को परचेज करते समय और गुड्स को यूज करते समय, अभी आपने बोला अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम के पास जाना है। चलो सर हम लोग चलते हैं अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम के पास बेटा। सर अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम यहाँ पे क्या है, 3-tier सिस्टम है जिसको हम लोग रिड्रेसल मशीनरी या फिर रेमेडीज कहते हैं सर। इसके कहाँ पे सेटअप हुआ है सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सेटअप हुआ है सर, और ये 3 तरीके का। पहला क्या है सर, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसका दूसरा नाम डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी है, दोबारा मैं बोला ध्यान से सुनना, क्या बोला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यहां तीनों के नीचे बेटा मैंने सेम सेम चीजें लिखी, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, आपको बोलने में दिक्कत होगी, अब आपसे आप यह क्या याद रखोगे, डीआरसी बेटा, क्या याद रखना डीआरसी। पहली डीआरसी का क्या नाम है, डीसीडीआरसी, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डीआरसी, एससीडीआरसी, स्टेट कंज्यूमर डीआरसी। अगला क्या था, द नेशनल कंज्यूमर, बेटा इसके आगे ना हर जगह द लगा हुआ है तो आप भी द लगाओगे, द नेशनल डीआरसी। इन तीनों के अंदर बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, अगर आपकी लड़ाई है जिसमें वैल्यू किसकी सर, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1 करोड़ से कम है, यहां आ जाना और मुझे पता चल गया कि आप लोग यहीं आओगे, क्यों, क्योंकि आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन 1 करोड़ से ऊपर होगी नहीं, होने नहीं वाली है बेटा, ठीक है सर। अब किसी बच्चे ने पूछा सर मैंने टॉफी लेने गया था, टॉफी में दिक्कत हुई है, टॉफी तो सर 50 पैसे की होगी, उसके लिए कहां जाए, इसने क्या बोला बेटा, डज नॉट एक्सीड, इसने कोई मिनिमम वैल्यू तो बताई नहीं, अब अगर मिनिमम वैल्यू नहीं बताई, वो टॉफी खा के मैं मर गया, अब मैं केस कहाँ करने जाऊंगा बेटा, उस दुकान पे, इसी के अंदर बेटा। डन, दूसरा अगर आपकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है तो आपको कहाँ आना, स्टेट कंज्यूमर में, सीधा सीधा, ये नहीं कि यहाँ से होकर वहां जाना, नहीं सीधा यहाँ पे आना है। अच्छा अगर 10 करोड़ से ज्यादा तो कहाँ आना है, सीधा यहाँ पे आना है, अभी समझे क्या, अगर 1 करोड़ तक है तो मुझे आना है डीसी पे, अगर 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से कम है तो मुझे आना है एससी पे, लेकिन अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, द एनसी पे। हाँ ये एक्सीड है बेटा, एक्सीड 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 10 करोड़। डन, चलो सर याद हो गया, पक्का पक्का याद हो गया बेटा, मटेरियल चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है चलो समझ में आया। अब अगली चीज देखना बेटा बहुत ध्यान से, सर एक बात बताओ, मैं गया था डीसी पे, डीसी ने मुझे अपना रिजल्ट दे दिया, मैं उस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हूं, अगर रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कहां जा सकते हो, एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ डीसी कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द एससी, मतलब अगर यहां से पसंद नहीं आया तो यहां से यहां चले जाना, अगर यहां से पसंद नहीं आया तो यहां से यहां चले जाना, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, लेकिन जो लड़ाई हो किसकी होनी चाहिए, फैक्ट की लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई किसकी होनी चाहिए, फैक्ट की है लॉ की, और कितने दिन में जाना है, 45 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के 45 डेज में जाना है, बोले याद हुआ।
मैंने आज ऑर्डर दिया, मैंने आज आपको ऑर्डर दिया कि भैया तुम गलत हो, दुकानदार सही है, तुम इस बात से खुश नहीं हो, या मैंने रिजल्ट दिया, मैंने बोला कि तुमने मुझसे कंपनसेशन के लिए बोला था कि दुकानदार से मैं आपको 10 लाख का कंपनसेशन दिलाऊं, लेकिन मैंने आपको 1 लाख का कंपनसेशन दिलाया और आप इस बात से खुश नहीं हो, तो आप 45 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर आप एससी के पास जा सकते हो। बोलो समझ में आया सर? अगर समझ में आया तो आगे देखो सर। अगर कोई पर्सन यहां आके भी एग्रीव्ड है सर, तो वो इसकी अपील कहां पे कर सकता है? एनसी में कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने यहां पे बोला था ना, ऑन द ग्राउंड ऑफ फैक्ट या लॉ, यहां पे सर ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको यहां पे कितने दिन में करना है? 30 दिन के अंदर, कहां? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। लेकिन यहां आने के बाद भी आप खुश नहीं हो, तो आप कहां चले जाओ? एनसी के पास चले गए। आप कहां पे चले गए? और आप एनसी से भी खुश नहीं हो, तो आप अपील कहां करोगे? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कितने दिनों में? 30 दिनों के अंदर। बोलो ये बेसिक बातें याद हुई बेटा? ये बहुत बेसिक बात है। तो शुरू का जो दो ब्लॉक है बहुत बेसिक है, एक ब्लॉक और बेसिक है, मैं उसको भी देख लेता हूँ, जल्दी से आओ। देखो बेटा सर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन, या नेशनल कमीशन में कौन लोग होते हैं? बेटा इन तीनों में एक 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 प्रेसिडेंट होता है, एक 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 प्रेसिडेंट होता है। साथ में यहाँ पे 2 से कम मेंबर नहीं हो सकते, यहाँ पे 4 से कम मेंबर नहीं हो सकते, यहाँ पे भी 4 से कम मेंबर नहीं हो सकते। अगर मैं कुल मिला के बोलूँ तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, लेकिन फिलहाल के लिए यही है। लेकिन इसको ना नॉट मोर देन सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद सीजी, फ्यूचर में अगर इनको लगेगा तो इसको बढ़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए तो एक प्रेसिडेंट और 2 से कम नहीं मेंबर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। अब ये 3 ब्लॉक आपको याद करने के लिए, किसका? सीजी का, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब मैंने आपको दिया इसको याद करने के लिए 1.5 मिनट का टाइम, जल्दी से याद करके मुझे दे दो। चलो ना लायक बच्चे, बहुत 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 अच्छा लगा। ये 2 जगह चेंजेस कर लेना बेटा, इसको काट लेना, यहाँ पे एनसी लिख लेना। अब आगे देखते हैं सर, बस ये 2 चीज़ें जल्दी से याद कर लेते हैं बेटा। इट इज एस्टेब्लिश बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, इसको कौन एस्टेब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ऑर्डिनरली फंक्शन एट द स्टेट कैपिटल, ये उनका सिंपल काम है। सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? सर इनको भी कौन फॉर्म करता है? स्टेट गवर्नमेंट बेटा, डन, याद रखोगे। इसको कौन फॉर्म करता है? नेशनल कमीशन हैज टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ज्यूरिडिक्शन ओवर द होल कंट्री, बेटा ये पूरी कंट्री में रिजल्ट दे सकती है। बस इतनी सी बात है, एमसीक्यू में आती है इसलिए मैंने लिखवा दी, आप याद कर लेना। चलो सर, सर आपने तो बहुत सारी चीजें करा दी बेटा, अब आओ अगली चीज कराता हूँ बेटा। अगली चीज है रिलीफ अवेलेबल अवेलेबल। मान लिया मैं इसमें से किसी एक जगह कंप्लेन लेके चले गया, वो मेरी कंप्लेन के साथ क्या करेंगे बेटा? आओ, वो पता है मेरी कंप्लेन के साथ मेरे साथ क्या क्या करेंगे? वो उस डिफेक्ट को रिमूव कराएंगे या वो उस डिफेक्टिव गुड को रिप्लेस करा देंगे। डन, 2 बातें होगी सर। पहला क्या बोला? रिमूव डिफेक्ट, दूसरा रिप्लेस डिफेक्टिव। अच्छा मैं ना एक बार, वो क्या नाम है, डिमरी मैडम से एक सवाल पूछ लेता हूँ, मोबाइल चला रही है काफ़ी देर से। मैडम मैडम सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। मैंने एक फ्लैट खरीदा, फ्लैट में उसने बोला था कि 3 BHK दूंगा, मैंने पैसे दे दिए, लेकिन जब मैं लेने गया तो 2 BHK था। बताओ कंप्लेन कहाँ करूंगा? अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो गलत हो गया। ये चैप्टर किसके ऊपर है? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। और आपके यहाँ पे ये फ्लैट जो होता है गुड्स होता है? पापा आज थैली में 2 फ्लैट ले आए। तो मैडम अगर यहाँ पे ध्यान लगाओगे तो आप जवाब दे पाओगे, ध्यान नहीं लगाओगे तो ऐसे ही रहेगा बेटा, बाद में ध्यान आएगा गलत होगा। ठीक, देखो मैंने आपको हाथों हाथ केस स्टडीज दिया, आपने गलत कर दिया। मुबारक हो, आपको 0 नंबर मिले 6 में से। कैसा लग रहा है? हटाओ बेटा शक्ल, देखने दो कैसा लग रहा है। क्यों नहीं पढ़ा? यहाँ किस लिए आए? मोबाइल चलाने के लिए क्या? मैं रिकॉर्डर, मैं इसका नाम है पतंजलि डिमरी, है ना, रिकॉर्ड करा दे। आओ सर अगला अगला, रिफंड द प्राइस, वो आपको पैसे वापस दिलवा देगा। अभी तक 3 बातें होगी, पहला रिमूव डिफेक्ट, रिप्लेस डिफेक्टिव, और तीसरा क्या बोला? रिफंड प्राइस। चौथा पे रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, वो आपको रीजनेबल अमाउंट का कंपनसेशन दिला देगा। भाई साहब मैंने इसका पटाखा फोड़ा, इसने बोला था हाथ में फोड़ सकते, मैंने हाथ में फोड़ लिया, शुरू की 3 उंगलियां गायब हो गई हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं आपको 3 नकली उंगलियां लगाने के लिए पैसे दिलवा रहा हूँ। क्या बोला? पे रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। नहीं नहीं भाई साहब, जब 3 उंगलियों के दिलाए तो पूरे 5 के दिला दो। नहीं नहीं भाई साहब, 3 के लिए दिलाएंगे। क्या लिखा है? रीजनेबल। डन, अगला पे पिनिटिव डैमेज, इसका क्या मतलब होता है? पे पिनिटिव डैमेज इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, अगर मुझे लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि आपको डैमेजेस भी दिलवाने होंगे तो मैं आपको डैमेजेस भी दिलवाऊंगा। फर्क है सर कंपनसेशन में और डैमेजेस में। अगला डिसकंटिन्यू, वो आदमी जिसने आपको गलत दुकान चीजें बेची, उससे मैं आपको कंपनसेशन तो दिलवाऊंगा ही दिलवाऊंगा, उसकी दुकान भी बंद करवाऊंगा। अगला नॉट टू ऑफर हजार्डियस गुड, उसको मैं बोलूंगा आगे से ऐसी चीजें किसी को ना बेचे, या विदड्रॉ करा दूंगा सर ये गुड्स तो मैं बेचने ही नहीं दूंगा। आपको पता होगा इंडिया में एक बार ये क्या नाम है, तेजाब फेंकने का केस हुआ था, एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया था। बाद में कंट्री में हर जगह तेजाब बेचने पे बैन लगा दिया गया था, कोई भी दुकानदार ऐसे खुलेआम तेजाब नहीं बिकेगा बेटा, ठीक है, 2005 का एक केस है बेटा। उसके बाद भी इंडिया में हर दिन के आसपास ये तेजाब के केसेस होते हैं, मतलब बैन करने के बाद भी दुकानों में बिक रहा है बेटा। चलो खैर, सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हैजार्डियस गुड, मैं हैजार्डियस गुड बनाने वाली कंपनी को बंद करा दूंगा। जैसे आपको पता है इंडिया में अब प्लास्टिक
विदाउट रिसाइकल वाली पॉलिथीन बैन है बेटा, लेकिन फिर भी हम किसी भी दुकान में चले जाए मिलता है ना। हाँ जी बेटा, देखा कितना अच्छा काम कर रहे हैं लोग। लास्ट बेटा, कंपनसेशन फॉर एनी लॉस, अगर उस गुड्स को यूज करते समय आपका कोई लॉस हुआ है तो मैं आपको वो भी दिलवा दूंगा। ये 10 चीजें जल्दी से याद कर दो, इसके लिए दिया मैंने आपको 1 मिनट का टाइम बेटा, ठीक। चलो सर आगे चलते हैं सर। अच्छा, इसके अलावा देखो सारे काम ना गवर्नमेंट नहीं करेगी, आपको भी पता है। इसीलिए इंडिया में ना कुछ क्या बन गई, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बन गई, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, और बन गया एनजीओ। एनजीओ कौन? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दुकानदार है, देखो शक्ल से बहुत बड़ा बदमाश लग रहा है ना, मुझे डर है कि अगर मैंने इसके खिलाफ कंप्लेन किया तो ये मुझे ट्रक के नीचे दबवा देगा, मुझे बहुत डर लग रहा है इससे, मैं इसके यहाँ से दुकान से सामान लाया था, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने क्या किया, इसकी शिकायत मैंने कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में जाके करी, और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में जाके मैंने बोला कि ये आदमी बदमाश है, ये सबको लूटता है, इसने मुझे भी लूटा है। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन पता क्या कहेगी, चलो आपके बिहाफ में हम केस करेंगे। मैंने बोला भाई साहब प्लीज मेरा नाम ना है। कहते कोई बात नहीं, आपका नाम भी नहीं आएगा, हम करेंगे आपके खिलाफ, आई मीन उसके अगेंस्ट में कंप्लेन। चलो सर समझ में आया। तो सर ये है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ क्या करती है दोस्त, देख ये तेरे खिलाफ क्या क्या करेंगे बेटा। पहला, ये जनरल पब्लिक को एजुकेट करेगी कि इस नलायक की दुकान से सामान ना खरीदो, पहला। दूसरा, पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स, ये हफ्ते हफ्ते 15 दिन में महीने में नई नई चीजें छापेंगी कि इस बार इस तरीके का स्कैम हो गया, आगे से आप ध्यान रखें। एक तरीके लेटेस्ट स्कैम मैं आपको बताता हूँ, लेटेस्ट स्कैम बहुत पुराना तरीका लेकिन अभी बहुत अपग्रेडेड है बेटा। लेटेस्ट स्कैम ये है कि आपके पास एक लड़का आएगा भाग के, अरे सर 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 मेरा फोन खो गया, आप क्या मुझे प्लीज एक बार कॉल करने दोगे? आप दे दोगे, आप उसको कॉल करने दे दोगे, और वो आपके सामने ही कॉल लगाएगा, और कॉल लगाते लगाते ही आपके मोबाइल में ओटीपी भी आ जाएगा, वो ओटीपी भी शेयर करेगा भाई 3247, आप उसका काम हो गया बेटा, ठीक। तो ध्यान रखना अगर आपसे कोई फोन मांग रहे हैं, खैर चलो मैं किसको सिखा रहा हूँ जिसपे फोन ही नहीं है बेटा, ठीक है। चलो सर आपके साथ नहीं हो सकता, यू आर सेफ बहन, यू आर सेफ। चलो सर आगे, देखा फोन ना होने का फायदा, ये बाकी बच्चे कहें सेफ तो हम भी हैं सर, हमारे मोबाइल से ओटीपी लेके वो करेगा भी क्या। वेरी गुड बेटा, आई लाइक इट बेटा। तीसरा पॉइंट बेटा, कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग। ये क्या है सर, कंपैरेटिव टेस्टिंग? कंपैरेटिव टेस्टिंग क्या, एक आदमी ये है जो कहता है कि मेरी दुकान का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और हकीकत में बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या होती है, एनजीओ और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बीच बीच में उनके प्रोडक्ट को टेस्ट करती रहती है खुद ही कि क्या ये मिलावट तो नहीं कर रहा। ऐसे ही बेटा हमारे यहाँ पे एक मोमोज वाले की दुकान बंद हो गई, उसकी दुकान में इतनी भीड़, हद से ज्यादा भीड़, लेकिन एक एनजीओ को उस पर शक हुआ, उसने उसके मोमोज को टेस्ट कराया तो बाद में पता चला कि वो अपने मोमोज में कुछ लेड मिलाता था, अफीम। ओहो, लोग पागल, रोटी सब्जी छोड़ के उसका मोमोज सुबह सुबह खा रहे हैं, सुबह 7 बजे भैया हम दुकान खोला हमें मोमोज खाना है, बाद में पता चला वो इस तरीके की चीजें करता था, उसकी दुकान बंद हो गई। तो इसमें हमें मदद किसने करी, उस एनजीओ ने, हमें तो बहुत मजा आ रहा था लेकिन उस एनजीओ को पता नहीं क्या पड़ा था। सर 3 बातें याद होगी, पहला क्या बोला, एजुकेटिंग जनरल पब्लिक, दूसरा क्या है, पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स, तीसरा क्या बोला बेटा, कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग, चौथा इनकरेजिंग कंज्यूमर। भाई तू डर मत, तू गलत, उसको कहाँ बोल रहा हूँ भाई, अगर तूने उसकी दुकान से सामान लिया तो डर मत, तू उसके खिलाफ आवाज उठा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। डन, क्या बोला, इनकरेजिंग कंज्यूमर, ठीक है। 4 बातें हो गई, 5वीं बात बेटा, प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस, इसको आपके खिलाफ कंप्लेन तो है लेकिन इसको पता नहीं कि कंप्लेन करनी का है। मैं तुम्हें एजुकेट करूंगा सर, मैं तुमको लीगल असिस्टेंस दूंगा। अगला सर, फाइलिंग कंप्लेन करने में तुम्हारी मदद करूंगा, टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस, मैं तुम्हारी फाइलिंग करने में मदद कर दूंगा। लास्ट बेटा, ये सिर्फ आपको रटना है, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर में बनी हुई है बेटा, इसके लिए मैंने आपको दिया 1 मिनट का टाइम, ये एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आने के लिए। चलो सर देखो, मैंने ना आपको तोड़ तोड़ के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा पूरा चैप्टर याद करा दिया। आपको इसमें याद कितना करना है सर, आपको याद इसमें करना है 11 पॉइंट बेटा, इसमें से बहुत सारे पॉइंट हो गए। अब मैं इसको ना शुरू से शुरू कर रहा हूँ बेटा, ठीक, अब मैं इसको शुरू से शुरू कर रहा हूँ बेटा। आओ सबसे पहले शुरू से शुरू देखते हैं बेटा। सबसे पहले इस चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई हैं, याद ये वाली करनी जो मैं आपको याद करवा रहा हूँ। इट रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम अनस्क्रपलस एक्सप्लोइटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, एक आदमी, ट्रेडर दूसरा आदमी, सेलर तीसरा आदमी, और सर्विस प्रोवाइडर चौथा आदमी। अब आपको ऐसे याद रखना, आपको आपको ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन 3 चीजों से बचाता है 4 लोगों से, 3-4, 3 चीजों से बचाता है 4 लोगों से। 3 चीजें कौन कौन सी है, अनस्क्रपलस एक्सप्लोइटेटिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और वो 4 लोग कौन से हैं, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर। आई होप याद हो गया आपको, जल्दी से सुना दो। चलो सर बहुत बढ़िया, आपने याद कर लिया। अच्छा अब देखना बेटा, ये ना आपको एग्जाम में बहुत ध्यान से देखना कि वहां से पूछ क्या आया। अगर वहां से पूछा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस, तब आपको ये 10 बातें लिखनी पड़ेंगी।
लेकिन अगर वो आपसे पूछ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ सीपी कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, तब आपको ये चार बातें लिखनी होंगी। लेकिन अगर वो आपसे पूछ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तब आपको ये पांच बातें लिखनी होंगी। मेरी बात समझे क्या? आपको बहुत ध्यान से देखना है कि उसने इंपॉर्टेंस किसका पूछा है, इंपॉर्टेंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है। डन, अभी हम लोग देखते हैं सर जनरल वाला, जनरल वाला जल्दी से देखते हैं सर। इंपॉर्टेंस क्या है सर? द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक बात है, मुझे भी पता है। इट अडॉप्ट्स मेजर टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम अनएथिकल माल प्रैक्टिसेस बाय बिजनेसेस एंड प्रोवाइड अ स्विफ्ट रिड्रेसल, आसानी वाला रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस विद रिगार्ड टू। देखते सर किन किन चीजों के लिए मुझे प्रोटेक्शन दे रहा है। पहला, एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस। अगर कोई आपको माल बेचते समय कुछ ऐसी चीजें बेच देता है जो इन्फीरियर है, पैसा आपने सुपीरियर का दिया, बेच दिया आपको इन्फीरियर, उससे बचाएगा। दूसरा, सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ लेसर वैल्यू। पैसा तुम उससे ले रहे हो, 1,000 रुपए चीज दे रहे हो दोस्तों की। सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड, मैंने बोला स्टैंडर्डाइज गुड बेचना चाहिए तुमको, सब स्टैंडर्डाइज नहीं। अगला, डुप्लीकेट गुड, माल फंक्शनिंग इन वेट, ब्लैक मार्केटिंग, ओवर चार्जिंग अ प्रोडक्ट। सर यहाँ पे लिखा था सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ लेसर वैल्यू, यहाँ पे बोला ओवर चार्जिंग। सेम बात है बेटा, सेम बात है, बट फिर भी इन्होंने अलग अलग पॉइंट बनाया, आपको अलग अलग पॉइंट याद रखना। देखो यहाँ पे इन्होंने ओवर चार्जिंग अ प्रोडक्ट में लिखा कि प्रोडक्ट को आप एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकते, एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और यहाँ पे क्या बोला, सेल ऑफ काउंटर फीट गुड, बेकार गुड सच एज सेल ऑफ लेसर वैल्यू देन रियल वैल्यू रियल प्रोडक्ट, उसके नाम पे आप कुछ गलत चीज बेच रहे हो। अगला, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये क्रीम लगाओ 5 दिन में गोरे हो जाओ, ऐसा नहीं चलेगा सर। सप्लाई ऑफ इन्फीरियर सर्विसेज, सर यहाँ पे बोला था इन्फीरियर सब्सटेंस गुड और यहाँ पे बोल दिया सर्विसेज, तो बड़ा आसान है सर। आप इसको एक एक बार भी पढ़ के चले जाओगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको मैंने दिया 30 सेकंड का टाइम, बस आप इसको अपने पास याद करके रख लो, क्योंकि मैं क्लास में जाने से पहले आज जब तक सब कुछ सुन नहीं लूंगा। चलो सर बहुत बढ़िया बेटा, आगे देखते सर। अब देखना, पता नहीं एग्जाम में अगर आ गया ना तो पता नहीं मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट है बेटा। लेकिन 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 मैं आपको निमोनिक्स दे दूंगा कहानी बना के, आप उसको कर लोगे बेटा। इसी एनसीईआरटी की किताब में क्या है, नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड क्यों पड़ी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड क्यों पड़ी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड क्यों पड़ी, इन्होंने बोला सर इन 6 बातों की वजह से नीड पड़ी है। पहली बात, फिजिकल सेफ्टी। अगला, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तीसरा, सीएसआर। सीएसआर क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या बला है, इन्होंने बोला है सर आप जब थोड़ा सा लॉ पढ़ने लगोगे तो लॉ में बोला कि देखो हर आदमी सोसाइटी के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे जिनका टर्नओवर साल का 1,000 करोड़ से ज्यादा है, उन लोगों को अपनी प्रॉफिट का 2%, 3%, 5% सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओ तरीके, ये है सीएसआर, आपको बस इतना सा याद रखना सीएसआर, कहानी नहीं याद रखनी। आगे बोला, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस के लिए, इसीलिए सीपी की जरूरत है। चलो सर आगे चलते हैं सर, अब आगे चलते हैं सर। इंपॉर्टेंस ऑफ सीपी फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अब बस अपने आप को आप कंज्यूमर बना लो और सोचो कि ये एक्ट आपके लिए क्या क्या कर रहा है। सर 3 बातें कर रहा है। पहला, आपको बचाता है इग्नोरेंस से, कुछ कंज्यूमर इग्नोर है, उनको समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए उनके लिए बनाया ये। दूसरा, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, कंज्यूमर ऑर्गेनाइज भी नहीं है सर, ये जितने सेलर हैं ये तो ऑर्गेनाइज हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। किस नाम से सर, अलग अलग नामों से, ये जैसे बनिया कम्युनिटी जो भी माल बेचे, इस तरीके का उन्होंने अपना बनाया हुआ, लेकिन कंज्यूमर ने नहीं बनाया हुआ, बोला कंज्यूमर बनाओ। और तीसरा बोला, वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर, और हकीकत में अगर कोई लूट रहा है ना वो कंज्यूमर ही लूट रहा है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसकी 3 इंपॉर्टेंस रखी है। पहला, कंज्यूमर इग्नोरेंट है। दूसरा, कंज्यूमर की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और जो एक्सप्लॉइट हो रहा है वो कंज्यूमर ही हो रहा है। चलो सर 3 बातें याद होगी, हल्का सा अंदर चल के देखते सर। इन द लाइट ऑफ वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर अबाउट देयर राइट एंड रिलीफ अवेलेबल टू देम, इट बिकम नेसेसरी टू एजुकेट देम। अच्छा, इसलिए बना क्योंकि तुम्हारे पास राइट है लेकिन तुमको पता ही नहीं है, तो तुमको एजुकेट करने के लिए मैंने ये वाला लॉ बना दिया। आगे, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, कंज्यूमर नीड टू बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए मैंने बनाया और इंडिया में अब होने लगे हैं सर। चलो सर तीसरा, वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का वाइड स्प्रेड में मतलब बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लोटेशन हो रहा है सर। किन किन तरीकों से, कंज्यूमर नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सच माल प्रैक्टिसेस। क्या क्या चीज़ें उनके साथ हो रही है सर, जैसे डिफेक्टिव मिल जाता है उनको, अनसेफ प्रोडक्ट मिल जाते हैं, अडल्ट्रेशन हो जाती है, फॉल्स मिसलीडिंग, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब उनके साथ हो रहा है। तो तुमको इन सब चीज़ों से बचा लिया। सर 1 मिनट जरा दोबारा दिखाना आप कहना क्या चाह रहे हो। बेटा मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, मैंने आपको यहाँ पे भी 10 बातें बताई, जनरल बातें थी,
उसके बाद मैंने आपको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बताई, तीन बातें। अब जरा देखो सर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर देखो, इस एक्ट का सीधा सीधा देखें तो बचा कंज्यूमर को, लेकिन इसमें ग्रोथ बिजनेस की भी है सर। बातें बताओ, बातें पांच, बात पांच, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर कोई दुकानदार चाहता है कि वो लॉन्ग टर्म में भी अपना धंधा करे, तो उसको चाहिए कि वो काम तरीके से करे, इसीलिए तुम्हारे लिए भी बनाया भाई। देखो अगर आज प्रॉफिट काटोगे दिक्कत होगी, मैं आपके साथ बहुत मेहनत करता हूँ बेटा, आपने देखा है मैं आपके साथ बहुत मेहनत करता हूँ, रात को भी जवाब दे रहा हूँ, टेस्ट भी ले रहा हूँ, ये सब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ, नहीं। अरे आपको मैं एक बार पढ़ाऊँ, तीन बार पढ़ाऊँ, चार बार पढ़ाऊँ, पांच बार पढ़ाऊँ, फीस तो आप उतनी ही दोगे, नहीं दोस्त उतनी दोगे, उतनी दोगे, बट फिर भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उस लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, ताकि आप जाके पांच लोगों को बोलो, पांच वो पांच लोग आगे 25 लोगों को बोले, 25 200 2000 लोगों को बोले, ताकि धंधा अपना चले बेटा। मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ सर? एम एट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कि नहीं हो सकता बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। कस्टमर कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। आप एक बच्चे को पूरा हफ्ता पढ़ाओ, संडे छुट्टी दे दो, ये तो पढ़ाता ही नहीं है। मैं पूरा पूरा दिन पढ़ाता हूँ, 5 मिनट लेट होता सर, आप पहले बता देना लेट आओगे। अरे जब मैं टाइम से पहले आता हूँ फिर? खैर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। देखो देखो दूसरा दूसरा क्या बोला, देखो ये जो बिजनेस है ना, बिजनेस बना किससे? बेच के आया सर, सोसाइटी के प्रोडक्ट ही तो तुम बेचते हो, और बेचते भी सोसाइटी में, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम सोसाइटी का भी ध्यान रखो। देखो यहाँ पे बोला, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच सप्लाई अ प्रोडक्ट एंड रेंडर सच सर्विसेज विच आर इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड वुड नॉट इम्पेयर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन देम। इसलिए बोला कि पब्लिक भी आपके कॉन्फिडेंस में रहे, क्योंकि आप चीज उन्हीं का यूज करो। बट अगर आप ठीक से देखो तो नीचे में मैंने किसी को भी हाईलाइट नहीं किया, हाईलाइट करने जैसी कोई चीज ही नहीं थी। जनरल हेडिंग अगर याद हो जाएगा तो आगे बात बन जाएगी। तीसरा देखो सर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओए तेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है? तू रोड पे जा रहा है, अगर कोई तुझे बूढ़ी सी औरत दिखती है, उसको रोड पार करना है और बेचारी कर नहीं पा रही, तो क्या करेगा? है ना, तू पड़ोसी को बोले भाई उसको रोड पार कर, तो ये तो खुद जाएगा, खुद करूंगा ना सर, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ऐसे ही बिजनेस की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके एक तरफ। अब बिजनेस है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब कस्टमर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेक मनी बाय सेलिंग गुड एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कंज्यूमर। कंज्यूमर फॉर्म एन इंपॉर्टेंट ग्रुप अमंग द मेनी स्टेक होल्डर ऑफ बिजनेस लाइक अदर स्टेक होल्डर, देयर इंटरेस्ट हैज टू बी वेल टेकन केयर ऑफ। डन, बोला सर यहां पे सिर्फ किसका ध्यान रखना है? कंज्यूमर का। चौथा बोला मोरल जस्टिफिकेशन। चलो तुम उसके सेटिस्फेक्शन के बारे में मत सोचो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मत सोचो, लेकिन आपका जमीर क्या कहता है? सर बोला मोरल जस्टिफिकेशन, इट इज मोरल ड्यूटी ऑफ एन एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ कस्टमर इंटरेस्ट एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ देयर एक्सप्लोटेशन। हेडिंग याद तो सभी याद, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा। अगला देखो सर, लास्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर आपने ठीक से अपनी चारों ड्यूटी नहीं निभाई तो हम आ जाएंगे और पनिश करेंगे सर। अब बिजनेस इंगेजिंग इन एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लोटेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर तुमने कुछ गलत किया, वुड इनवाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन या एक्शन। तब तुम गवर्नमेंट को, तब फिर तुम गवर्नमेंट को पुश कर रहे हो कि वो आए और तुम पे पनिशमेंट करें बेटा। चलो सर ये भी याद हुआ सर, बोले याद हुआ। चलो सर आगे चलो। हाँ जी सर आगे चलो ना जल्दी से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। एक्सप्लेन या राइट डेफिनेशन किसके बारे में? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बड़ा आसान है सर। देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सीक टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट, उस तरीके से ये दो चीजें चाहता है, एक तो प्रोटेक्ट और एक प्रमोट। किसको? द कंज्यूमर के इंटरेस्ट को थ्रू स्पीडी एंड इन एक्सपेंसिव रिड्रेसल देयर ग्रीवेंसेस। सर मुझे पक्का पक्का याद हुआ, पहले मैं सुनाऊंगा फिर आप सुनाओगे सर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सीक्स दो चीजें, प्रोटेक्शन और प्रमोट। किसको? इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर सर, लेकिन किस लिए? थ्रू स्पीडी और इन एक्सपेंसिव तरीके से, जल्दी हो जाए बिना खर्चे के हो जाए। सर एक बात बताओ कि ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया में बेटा। और सर कौन से बिजनेस में एप्लीकेबल है? ऑल टाइप ऑफ बिजनेस में सर। और सर यहाँ पे राइट किसको मिले हैं? कंज्यूमर को मिले। याद हो गया सर, अब मैं इसको कभी भूल ही नहीं सकता, डेफिनेशन मुझे याद हो गया। ये क्या कहता है? सीक फ्रॉम स्पीडी, आई मीन स्पीडी और इनएक्सपेंसिव। एप्लीकेबल कहाँ है? होल इंडिया में। कौन से बिजनेस पे एप्लीकेबल है? सारे पे। लेकिन राइट किसको मिले? पक्का सर, मजा आ गया सर। सर मैं आपको कंज्यूमर की डेफिनेशन करा चुका था, सर मैं आपको कंज्यूमर के राइट करा चुका था, सर मैं आपको कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी करा चुका हूँ। अब देखो वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सर ये वाला ना, ये वाला सुनो ना मेरी बात, ये वाला ना आपके एनसीआरटी में है, ये वाली चीज आपके एनसीआरटी में है, लेकिन मुझे ना दूसरे 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 जो राइटर्स की किताब देखा उसमें मुझे नहीं मिल रहा, दूसरे दूसरे राइटर्स की किताबों में देखा तो वहां पे मुझे नहीं मिल रहा। ठीक, चलो सर अब इसके आगे देखो सर, मैंने आपको ये रिड्रेसल मशीनरी करा दी। अच्छा अब उसके बाद देखो सर, ये एक चीज देखना, ये जब मैंने आपको रिड्रेसल मशीनरी कराई थी ना, इस रिड्रेसल मशीनरी के पहले वाले पार्ट के अंदर एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है। पहले वाले पार्ट में ये किसके लिए है सर?
सर ये है, ये किसके लिए सर? ये डीसी के लिए बेटा, डीसी डीआरसी के लिए, डीसी डीआरसी में ये वाली बात लिखी हुई है। मैं आपको बस एक बार पढ़ के सुनाऊंगा, आप इसको बहुत ध्यान से सुनना और बस एक बार के लिए याद रखना, बस ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ और कहीं नहीं लिखा हुआ, बट मैं फिर भी आपके साथ पढ़ रहा हूँ बेटा। क्या कहता है? कहता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू मीडिएशन। बेटा मीडिएशन क्या होता है? मान लेते हैं उस दुकानदार में और इस कंज्यूमर में आपस में लड़ाई हो गई है, ये आ गया मेरे पास कंप्लेन करने के लिए, तो पता है मैं इसकी कंप्लेन को सुनने के बाद पहले इससे बोलूंगा भाई बीच का रास्ता निकालने क्या? देखो तुम उसके खिलाफ केस करोगे, टाइम उसका भी जाएगा, टाइम तुम्हारा भी जाएगा, पैसे तुम्हारे भी खर्च होंगे, पैसे माना कम होंगे लेकिन पैसे तो दोनों लोगों के खर्च होंगे बेटा। अब पता नहीं रिजल्ट तुम्हारे फेवर में आए उसके फेवर में आए मुझे नहीं पता, हो सकता है उसके फेवर में आ जाए, माइट बी पॉसिबल है दुकानदार के फेवर में आ जाए। तो सर एक ना बीच का रास्ता निकालते हैं। ये क्या है सर? मीडिएशन। सर मीडिएशन है वो बीच का रास्ता, मीडिएशन है सर वो बीच का रास्ता। और सर इसके लिए कितने पॉइंट है बेटा? 5-6 पॉइंट है बेटा। अब जल्दी से देख लेते हैं सर क्या क्या कहता है। बोला ईदर ऑन फर्स्ट हियरिंग या बाद की हियरिंग में ऐसा लग रहा है डीसी को, ऐसा लग रहा है डीसी को कि एक एलिमेंट है जिससे सेटलमेंट हो सकता है दोनों पार्टियों के बीच में। पहली बात मैंने क्या बोली? चाहे पहली बार सुनने में या 4-5 बार सुनने के बाद मुझे डीसी को ऐसा लगता है कि एक ऐसा एलिमेंट है जिससे मैं इस केस को सेटल करा सकता हूं पार्टियों के बीच में समझौता करा के। पॉइंट टू क्या कहता है? इट मे डायरेक्ट और गिव देयर कंसेंट ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट थ्रू मीडिएशन विद इन 5 डेज। अगर उसके लिए राजी हो जाते हैं तो 5 दिन में उनका केस खत्म करा दूंगा मैं, अगर तुम राजी हो गए तो। तीसरी बात, इन केस द पार्टी अग्री फॉर द सेटलमेंट, अगर तुम अग्री हो गए हो मीडिएशन के लिए तो तुम मुझे लिख के दो कंसेंट, कंसेंट को लिख के दो, कहीं बाद में तुम ना पलट जाओ कि तुमने मेडिएशन के लिए बोला नहीं था, तुम मुझे लिख के दो डीसी को और रेफर करूंगा मैं तुम्हारा मैटर कहाँ पे? मेडिएशन एंड प्रोविजनल रिलेटिंग मेडिएशन सेंटर में बोलूंगा मैं, वहां पे अप्लाई करवाता हूँ तुम्हारे लिए। चौथी बात बेटा, हाउएवर इन द इवेंट ऑफ फेलियर, लेकिन मान लिया मेडिएशन में तुम्हारी हाथापाई हो गई, मैंने तुम्हें भेजा था समझौता करने के लिए, आपस में एक केस तो चल ही रहा था, एक मर्डर का केस और तुम लेके आ गए मेरे पास, अब आपस में लड़ लिए थोड़ा थोड़ा मर्डर कर दिया ऊपर ऊपर पार्ट में, ठीक है ऊपर ऊपर पार्ट से तुमने मर्डर कर दिया। However, in the event of failure of the settlement by the mediation process with the complaint, if the complaint against defect in good cannot be determined without proper analysis या test, इस सब चीजें नहीं हो रहा बेटा तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि अब चले जाओ कहाँ? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में। बोले याद आ जाएगा सर? मुझे पक्का पक्का याद हो गया, मैं सर बेसिक चीजों से इसको याद कर सकता हूँ। मीडिएशन का मतलब क्या? पहला, अगर पहली कंप्लेन में या 2-4 बार सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी में ऐसा एलिमेंट है जिससे मीडिएशन हो सकता है तो मैं तुम्हारा मीडिएशन 5 दिन में करा दूंगा, बस तुमसे मैं रिटर्न कंसेंट ले लूंगा। लेकिन अगर रिटर्न कंसेंट लेने के बाद और मीडिएशन में जाने के बाद रिजल्ट आ गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं आता है तब मैं तुमको क्या करूंगा भैया? तुम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास चले जाओ, चाहे डीसी एससी जहां भी जाना है वहां पर मैं तुमको भेज दूंगा। लेकिन अगर केस सर्विस का हो, इन केस ऑफ सर्विस द डिस्प्यूट सेटल बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, किसके पास एविडेंस है, नोटिस है और इन सब चीजों को देख के मैं तुम्हारा रिजल्ट निकाल दूंगा बेटा। बोलो समझ में आया? चलो सर पक्का पक्का समझ में। आगे देखो सर, मैं आपको रिलीफ अवेलेबल करा चुका, मैं आपको रोल ऑफ कंज्यूमर एनजीओ करा चुका, तो बचा क्या सर? बचा बस ये वाला पार्ट, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहला क्या बोला? क्या क्या रस्ते हैं, क्या क्या तरीके हैं इस प्रोटेक्शन को देने के बेटा? पहला तरीका, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। बिजनेस ने खुद का सेल बनाया हुआ है। अरे कैसे हरासमेंट सेल होते हैं? वैसे ही जैसे हमारे आईसीआई में, मान लेते हैं मेरे आईसीआई में जहाँ से मैं हूँ, जहाँ से मुझे डिग्री मिली आईसीआई की, अगर आपको पता है मेरे खिलाफ आपको कुछ दिक्कत है ना तो आप मेरी ही बॉडी में जाके मेरी कंप्लेन करोगे ना तो वो मुझे खुद बुला के सुनेगा, इंस्टेड ऑफ कहीं और जाओगे आप, भाई मैंने आपको गलत सर्विस दी, तो आप शिकायत मेरी इंस्टीट्यूट में जाके कर दो। ये क्या बोला? सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेसेस। सर यहाँ पे सर थोड़ा सा पढ़ा दो, देखो सर सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म्स, सर आईसीआई है, फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस। वो क्या करती है? मैनी फर्म हैव सेट अप ग्रीवेंसेस सेल टू रिड्रेस द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ देयर कंज्यूमर। पहली बात समझ में आ गई सर, खुद का सेट कर लो। दूसरा क्या सर? दूसरा सर बिजनेस एसोसिएशंस। अब ऐसी बिजनेस एसोसिएशंस बनी हुई है जो कहती है इससे रिलेटेड कंप्लेन है तो तुम ना डीसी एससी और एनसी में मत जाना, हमारे पास आना। कौन है सर? फिक्की। फिक्की बोले तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है फिक्की के पास चले जाना। दूसरा क्या बोला? सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। उसके बाद कौन से? हैव लेट डाउन देयर कोड ऑफ कंडक्ट। इन लोगों ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट सेट किए हुए, बोला कि अगर आपको इस इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे आ जाना मैडम, सो मत। अगला कंज्यूमर अवेयरनेस। देखो सर सबसे बड़ी बात है, अगर आप अवेयर हो, अगर आप अवेयर हो तो लड़ाई होगी नहीं बेटा। वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर राइट, आपको पता है तो ठीक है। आपको पता है पहले दूरदर्शन में एक एड चलता था, अभी अभी भी कभी कभी चल जाता है, इसका नाम है जागो ग्राहक जागो, एक इनिशिएटिव चलाया गया था। किसने चलाया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कई
कई बार ये एनजीओ भी चलाती है, बट उन्होंने चलाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था, जागो ग्राहक जागो। कई बार आपने देखा जब वोट का टाइम आता है तो ये जो टाटा टी है ना, टाटा टी ये वोट को प्रमोट करने लग जाती है बेटा। अगला सर, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग कंज्यूमर। सर ये बात कर रहा है एनजीओ की, कई सारे एनजीओ भी सेटअप है। अब सर एक बार जल्दी जल्दी बताओ कि मुझे, मैंने पहले वाला क्या बोला, फर्म्स ने खुद का बनाया हुआ है, दूसरा कुछ ये इंडस्ट्री वाइज बना हुआ है, तीसरा क्या बोला आप खुद इन्फॉर्म नहीं रह सकते क्या सर, उसके बाद चौथा क्या बोला सर, कंज्यूमर की कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई जो कंज्यूमर के बिहाफ में बनी हुई है। लास्ट आ गया बेटा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या बनाया हुआ है बेटा, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है 3TA मशीनरी। चलो सर पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको खत्म करा दिया और वीडियोज़ बनी है 40 मिनट की बेटा, ठीक। चलो थैंक यू।